सो लेडीज इन जेंटमैन एज इट इज़ वेरी क्लियर दैट वर्ल्ड इज ऑल अबाउट दिस करेंट मार्केट इज ऑल अबाउट और द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस क्या सदियों से चल रहा है प्लस टॉक अबाउट इन द मॉड्यूल नाइन्टी नाइन्थ ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट अब इसके अंदर हमें बहुत गौर से समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारा का सारा चक्कर रिस्क है ये रिस्क होता क्या है क्या ये रिस्क स्पेकुलेटिव होता स्पेकुलेटिव रिस्क यानी मैं कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ या कोई ऐसी चीज़ है सर्दियाँ पड़ गई तो मैं इतनी मुझे लगता है कि इसकी डिग्री बढ़ जाएगी तो मैं ओवर कोर्ट्स का एक बहुत बड़ा जो है वो कंटेनर मंगवा लेता हूँ अब मैं कंटेनर मंगवा लेता हूँ और फॉर एग्जांपल मेरा इस दफा अगर लगता है कि अगले दो महीने तक तेज़ सर्दी पड़ेगी और जैकेट जो है वो सीजनल डिमांड से पहले शुरू हो जाएगी सो दैट्स मीन कि मेरी सप्लाई चेन का जो टाइम है वो ठीक है और मैं उसके अंदर लेता हूं बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्पेकुलेटिव रिस्क इज मच हायर लेकिन स्पेकुलेशन होती है जी ओजोन लेयर नहीं है आप क्लैमेटी चेंज हो गई है दरख्त नहीं है आपके जो जो भी वेदर होगा वो शिद्दत से होगा सो इसके अंदर डिमांड ज़्यादा होगी और अब मार्केट अगर बढ़ाने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सूट्स वगैरह ले लें विंटर क्लोथिंग ले लें ले, प्योर आ, जो वूल के हैं वो कपड़े मंगवा लें

वो इस तरीके से जब आप एक नया आइडिया देते हैं प्रपोजल देते हैं प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी बनाकर आप उसका ब्रेक इवन लेते हैं ब्रेक इवन से अगर आप तीन महीने के बजाय छह महीने में आप ब्रेक इवन से ऊपर चले जाते हैं यू विल बी द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर सो आप उसको एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में गिनेंगे ना कि आप उसको जॉब इन की लिस्ट में गिनेंगे हम समझने की कोशिश करते हैं ये रिस्क मैनेजमेंट की आइडेंटिफिकेशन है क्या वन इज टू असेसमेंट एंड देन टू कंट्रोल कैन वी कंट्रोल द रिस्क हाउ इम्पोर्टेंट अब हमारा पास है जी कॉन्टेक्स डेफिनेशन होनी चाहिए देन वी वस्ट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन रिस्क है किस चीज का रिएक्शन का है मार्केट का है मार्केट चेंज का है आइडियोलॉजी का है साइकोलॉजी का है आइडियोलॉजी चेंज कर देती है जी वो कैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हुकूमत ही आ, किसी मजहबी जमात की हो जाएगी तो आपके इसका मतलब है बुरकों की सेल बढ़ जाएगी सो तो आप सारे के सारे कवर में आ जाएंगे अच्छा अब ये एक आइडिया मैंने आपको दे दिया इसी तरीके से आइडियोलॉजिकल चेंज के अंदर इतना बड़ा आपके सामने आ गया कि पूरी डेफिनेशन चेंज हो गई तो आपने आइडेंटिफाई करना है पहले तो विच मार्केट के अंदर कौन सा चेंज आ रहा है फिर अगर आपकी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो आपके पास चीज़ें कम आएंगी अगर आपकी डोमेस्टिक एग्रीकल्चर अच्छा आ रहा है ऑर्गेनिक सब्जियाँ ज़्यादा आ रही हैं आपके पास चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं आप सब सफिशेंट होते जा रहे हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट अच्छा फिर एक और आइडिया आता है कि जो लोग उस सर लेवल से बढ़ जाते हैं डेमोग्राफिक जियोग्राफिक साइकोग्राफिक बिहेवियरल से डेमोग्राफिक में उनका जो इनकम गैप है वो उससे बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा कि एक सर्टन लेवल के बाद जो है वो वो चीज़ें नहीं लेते इम्पोर्टेड प्रोडक्ट वो ऑर्गेनिसिजम की तरफ जाते हैं यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लांट आ, डाइट के ऊपर आ गए फिर वो ऑर्गेनिक देसी अंडे खाते हैं देसी मुर्गी खाते हैं मीट खाते हैं तो देसी बकरे का खाते हैं वो फार्मर और फार्म फार्म वाली चीज़ें कम खा रहे हैं वो केमिकल को अवॉइड कर रहे हैं टेट्रापैस फिर सादे मिल्क वही जो है वो गाय और भैंस के दूध पी ऊपर आ गए और वही समझा जा रहा है यही जिसको रिजेक्ट किया गया था पूरी सदी के अंदर और पूरी कमर्शलाइजेशन ने पूरी कॉपरेट कल्चर ने आपको उठा के कॉपोरेट से उठा के ऑर्गेनिक से हटाया अब आप कॉर्पोरेट को हटा के एक परसेंट लोग समझ गए ये वही लोग हैं जिन्होंने हाँ चेंज किया था लेकिन so, आप ऑर्गेनिक सब्जियां खोल दें आप ऑर्गेनिक अंडे बेचना शुरू कर दें ऑर्गेनिक देसी मुर्गियां बेचना शुरू कर दें दैट कुड बी द रीजन टू अंडरस्टैंड अच्छा जी देन इज एंड वैल्युएशन जब हम रिस्क को एनालाइज कर लेंगे एवेल्युएट कर लेंगे फिर हम आ जाएंगे रिस्क ट्रीटमेंट की तरफ द वे टू इंपॉर्टेंट इज टू एनालाइज देखो चंद तरीके हैं पहले तो मैं देखूंगा आउटकम क्या है फिर मैं बैलेंस शीट देखूंगा फिर मैं प्रोसेस को देखूंगा फिर मैं प्रोसेस स्ट्रक्चर को देखूंगा फिर मैं प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस को देखूंगा भाई कहाँ पे मेरे लॉसेज आ रहे हैं कहाँ से मैं गेरअप होऊंगा कहाँ से मैं उसको लूज करूंगा कहाँ पे मैं उठाऊंगा कई ऐसे लोग हैं मेरा इंप्लॉय चला गया

मैंने यहां ट्रीटमेंट का भी बताया अल्टरनेट्स प्लान ए प्लान बी प्लान सी आप यूजली सुनते हैं plan a, plan B, plan अगली दफा के लिए आर यू रेडी टू मिटिगेट द रिस्क आर यू रेडी टू हैव द रिस्क इन प्रॉपर मैनर सो इसमें एक जमाने में यह कहा जाता है कि सही अली वजल करीम से पूछा गया रिस्क है क्या तो अपने दानिश अली क्योंकि बहुत ही मुस्तनद है उसमें पूछा गया कि किस तरह है और उनका बस इसी तरह से है कि आप खड़े हैं तो एक टाँग आपकी हवा में और एक आपकी ज़मीन पर इसमें अगर आप बैलेंस कर सकते हैं इतना आप रिस्क ले सकते हैं ये नहीं हो सकता कि आप दोनों टांगें जो है वो हवा में उठा दें आप ज़मीन में ग्रेविटी में धनते चले जाएंगे ना हवा आपको उठाने नहीं लगी इतना बड़ा रिस्क नहीं होता और इतनी कन्फर्मेशन जब हो जाए कि आप इससे बड़ा को रेस्क ले सकते हैं और आपने ऐसा कुछ किया है कि आप हवा में उड़ने लग जाए सो दैट इज द डिफरेंट स्टोरी बट मिटिगेटिंग रिस्क इज वन लैक शुड बी ऑन फ्लोर एंड सेकेंड शुड बी इन स्काई दैट कुड बी द रिस्क सो इसको समझने के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल यही थी